अच्छा सहयोग है कि गीते लोग गाते हैं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनकी का यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। इस अर्थ में भी कि रिचर्ड से ऐसे विचारकों ने बड़ी अच्छी बात की कि आदमी का जो दिमाग है वह दिमाग मूलतः गीतात्मक, उसका जो ढांचा है दिमाग का वो गीतात्मक। छोटे से छोटे बच्चे उस गीत को समझ लेते हैं, गायन को समझ लेते हैं, लोरियों की भाषा समझते हैं, अपनी भाषा। तो गीतात्मक ढांचा है जिसमें गीत से अंतर क्या पड़ता है। गीत में छंद है, लय, एक व्यवस्था है, एक बंधन है जो अपनी जकड़न में ले लेता है। तो गीतिल रातें हैं पर भी बहुत कुछ बातें हुई हैं, उस पर हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि बात करें, शीर्षक पर भी बात करें। अभी फिलहाल ये कि कवित्री एक मुक्त मन की कवित्री और पंखड़ी के भीतर का जो आत्मान्वेषण है, आत्मान्वेषण कविरोध और पूरी कविता की जो चौबंदी है, उस चौबंदी को देखने की कोशिश की। हर कविता के पीछे एक परिदृश्य होता है और कवि अपने परिदृश्य को भूल नहीं पाता है, इसीलिए उसकी कविता में वो परिदृश्य आता है, चाहे वह समाज का हो, मन का हो, मन के भीतरी स्तरों का हो या सांसारिक राजनीतिक गतिविधियों का। मैं इसको विशुद्ध रूप से राजनीतिक कविता नहीं मानता, विशुद्ध रूप से नहीं मानता। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कुछ घट रहा है उससे कवित्री का मन अछूता नहीं है, यानी कवि का मन अछूता नहीं है, उसे वह देख रही है और उसके आधार पर एक अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है। होता यह है कि इसके चलते कहीं कहीं कंफ्यूजन भी पैदा होता है, क्योंकि जो कहना चाह रही है उसे कैसे कहें, किन शब्दों में कहें। कभी उसकी अपने भीतर का जो द्वंद्व है वह प्रकट होता है, कभी भाषा उसके सामने लाचार नजर आती है, कभी समाज का जो परिदृश्य है वह परिदृश्य उसको मिटता है, उसकी आक्रामकता को जगाता है। एक तरह से देखिए तो झगड़ाहटों भी होता है, आक्रामकता है इसमें, युद्ध की शक्ल में आए, राजनीति की शक्ल में आए या अंतर विरोध के रूप में आए। मुझे लगा है कि कई जगह प्रेम की बात करते करते युद्ध की बात, कई जगह उसके साथ साथ अपने अंतर विरोध की बात, एक जजमेंट जो है उस जजमेंट में स्थिरता नहीं रहती है। और यही इसका गुण भी है, क्योंकि देखिए अगर विचारकों के की तरफ थोड़ा सा मुड़े सुविधा के लिए, क्या कहता है विलियम एम्पसन? एम्पसन कहता है कि एम्बिग्विटी चाहिए कविता में, अस्पष्टता चाहिए कविता में, द्व्यर्थकता चाहिए कविता में, संदिग्धार्थकता चाहिए, यानी संदिग्धार्थकता, द्व्यर्थकता और अस्पष्टता ये कविता के गुण है। तो कहीं ना कहीं हर चीज खुल नहीं सकती, यानी कविता का जो अर्थ संभार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नामवर जी इस अर्थवाद को बहुत महत्व देते हैं, अर्थ तत्व को बहुत महत्व देते हैं, शुक्ल जी भी इसको इस पर सहमत है कि कविता क्या करती है, हमारे भीतर अर्थ चेतना को जगाती है। अगर कविता में अर्थ संभावता नहीं है तो कविता नहीं है। हमारे यहाँ इसकी चर्चा होगी, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है, लेकिन मैं भी एम्पसन की बात कर रहा था कि एम्पसन ने व्यर्थकता की या अस्पष्टता की बात की। यहाँ पे आपको लगेगा कि एक क्रम के बाद दूसरा क्रम आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा क्रम आ जाता है, ये कविता का गुण है। प्राचीन काल के जो कवि हुआ करते थे भारत के, वे इसको दोष मानते थे, वे कहते थे उद्वेग विजन को दोष है, ये उद्वेग पैदा करता है, उसको दोष की संज्ञा दी गई। लेकिन आज ये गुण है, क्योंकि आपका मन विचलित तो है, समाज के साथ संघर्ष कर रहा है, विचलित साधारण ढंग से नहीं, वो संघर्ष कर रहा है और परिस्थितियों के साथ जूझता हुआ व्यक्ति अपने भीतर किसी सत्य की खोज में लगा है, अपनी बात कहना चाहता है। कितना कठिन है शब्द देना, उसकी रूपाकृति प्रदान करना, यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि विचार हमेशा खंडित रूप में आते हैं।
और उन विचारों को स्वरूप देने की चेष्टा कवि करता है।